नमस्कार दोस्तों, मैं उस ओटी टेक्नीशियन। तो आज मैं आपको बता जा रहा हूँ सोनोपेट यह मशीन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल सिस्टम, जो उसको क्यूसा मशीन भी बोलते हैं। तो ये मशीन हम न्यूरोलॉजी या ट्रांसप्लांट जैसे सर्जिकल या प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। तो ये मशीन हम इरिगेशन और सक्शन और कॉटरी एक साथ होने के लिए होने के लिए मशीन यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर मशीन अपन सॉफ्ट टिश्यू या बोन इसको कट करने के लिए ये मशीन यूज़ किया जाता है। ये मशीन अपन हम ट्रांसप्लांट लीवर के लिए यूज़ करते हैं, और न्यूरोलॉजी में स्पाइन के लिए, स्पाइन और अदर सर्जरीज के लिए ये मशीन यूज़ करते हैं। तो चलिए ये मशीन का अपन क्या क्या कैसा होता है ये आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन ये मशीन के पार्ट्स देखते हैं। तो ये पूरा है। ये इसको बोलते हैं पैनल, जो कंट्रोल पैनल होता है वो पैनल। फिर इधर ये है सर्जिकल पोर्ट, हैंड्स पीस। इधर अपन हैंड पीस लगा दे। तो ये आईवी स्टैंड, इसको अटैच स्टैंड रहता है, उसके अपन इरिगेशन लगा दे। तो इधर ये है, तो इसके बोलते हैं इरिगेशन पंप। इसमें फ्लिप और फ्लिप अप फ्लिप डाउन के लिए ये है, इसको फ्लिप पंप बोलते हैं। इसमें अपन इरिगेशन का ट्यूबिंग लगाते हैं। ये ट्यूबिंग जाएगा उधर आईवी स्टैंड के लिए, जो अब एनएस लगा, इरिगेशन लगाया उसमें जाएगा। फिर इसको इस बटन से अपन ओपन करते, फिर वैसे ही क्लोज करते। फिर इधर अपन ये लगा सकते, ये जो ब्लू लाइन आता है, जो ट्यूबिंग आता है उन सिस्टर हमको देगी, ये ट्यूबिंग इधर से जाके इधर से ये ट्यूबिंग जाएगी इरिगेशन सक्शन बॉटल्स को। नेक्स्ट है, पीछे देखो तो ऑन ऑफ स्विच बटन है। इधर ऑन ऑफ का स्विच के बटन है। फिर ये इधर सक्शन पोर्ट है, ये फिल्टर है। ये ट्यूबिंग जाता है वो सक्शन बॉटल्स को। फिर इधर ये फुट स्विच है, फुट स्विच अपने जो ऑपरेट करते हैं वैसे। ये पावर कॉर्ड या आईवी स्टैंड आपको पता चुका। फिर ये फुट स्विच है और ये सक्शन बॉटल्स, ये सक्शन बॉटल। ये पूरा ट्रॉली स्ट्राइकर का है, पूरा ट्रॉली है और सोनोवर की मशीन के साथ आता है। तो चलो आपको बताते हैं अभी ये सेटिंग्स का क्या कैसे कैसे होता है। तो फर्स्ट है यूएस पावर, मीन्स कॉटरी का सिस्टम अपन कितने परसेंट पे चाहे ये अप कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं। फिर ये सक्शन का पावर अपन ले कितना भी, जितना सर्जन को चाहिए उतना सर्जन को दे सकते हैं। इसमें दो सेटिंग है, स्टैंडर्ड और साइनाइट। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में अपन दोनों इरिगेशन और सक्शन एक साथ यूज़ कर सकते हैं, और साइनाइट में अपन इरिगेशन और सक्शन वो फुर्सी से प्रेस करके हो जाता है। फिर तीसरा कॉलम है इरिगेशन। इरिगेशन में अपन जो फ्लो सर्जन को चाहिए वो फ्लो अपन इधर ml पर मिनट में रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें IR इरिगेशन और PV मतलब पिंच वॉल्यूम कितना है, फ्रिक्वेंसी मतलब फ्रिक्वेंसी होता है। जितना मशीन में कुछ खराबी रहेगी तो इधर ये अलार्म फ्रिक्वेंसी का अलार्म होता है। फिर ओवरलोड और अर्स, ये दोनों जो ट्यूबिंग में, ये जो अपने इरिगेशन ट्यूबिंग या जो सक्शन के हैंड पिक से साथ से सक्शन बॉटल के इधर जाता है, जो उसमें कोई ऑक्लूजन या कोई पिंच रहेगा तो इधर ये ओवरलोड करके ये एरर आता है। ये दो ही एरर है, जो फ्रिक्वेंसी मतलब हैंड पिस में कुछ प्रॉब्लम रहेगा या मशीन में प्रॉब्लम रहेगा तो ये फ्रिक्वेंसी का एरर आता है, और इसमें ट्यूबिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगा, इरिगेशन ट्यूबिंग की इधर पिंच हुई या ब्लॉक हुई है तो इधर इसमें वो प्रॉब्लम आता है। अभी यूएस पावर मतलब अल्ट्रासोनिक पावर, जितना अल्ट्रासोनिक
पावर क्वार्टर में सबसे कम रहता है, तो अल्ट्रासोनिक में सबसे ज़्यादा रहता है। इसके साथ आप सक्शन यूज कर सकते हैं, इरीगेशन भी यूज कर सकते हैं। तो सक्शन और इरीगेशन सब तीनों एक साथ यूज करने के लिए सोनोक ब्लेड मशीन, जो पीसा मशीन बोलते हैं, वो बनाया गया है। जो तो अपन स्वाब टिश्यू या बोन के लिए अपन ये यूज कर सकते हैं। इसमें तीनों भी यूज होता है, जैसे पावर भी एट अ टाइम होता है, फिर सक्शन भी एट अ टाइम होता है, फिर इरीगेशन भी एट अ टाइम होता है। उससे सब फटाफट सर्जरी होता है, नहीं तो अपन कॉटरी या आप नॉर्मल कॉटरी मशीन लेते हैं तो उसमें सिर्फ कॉटरी होता है, फिर सक्शन करने के लिए अलग, इरीगेशन करने के लिए अलग एक मशीन। इससे ये तीनों का काम तीनों का एक ही साथ करते हैं, इसलिए सोनोबेट बनाया गया अल्ट्रासाउंड सर्जिकल सिस्टम। ये इरीगेशन पंप है, इरीगेशन पंप इधर से जाता है ये इरीगेशन के लिए, जिसमें अपन इरीगेशन एनएस या 1500 ml का एनएस लगाते हैं। फिर सेकंड है, इधर से ये ट्यूबिंग इधर से ट्यूबिंग ये सक्शन को जाता है, जो सक्शन का वो जिस सीधा बॉटल में जाता है। इधर जो भी दिखा है वो सब इसमें मैनुअल कट में सब कुछ दिखा है, कैसे करना है कैसे नहीं। तो ये पहला इधर ये ट्यूबिंग डालते हैं, फिर इसको फ्लिप करके ये ट्यूबिंग ऐसा डालने का है, ये इधर से बराबर बाहर आना चाहिए, फिर इसको बंद करने का। फिर दूसरा ट्यूबिंग आता है, दो ट्यूबिंग रहता है, वो ब्लू ट्यूबिंग जाता है इरीगेशन के लिए, और दूसरा वाइट ट्यूबिंग आता है, वो इधर जा के सक्शन के साथ जाता है। फिर सब कुछ जोड़ने के बाद इधर प्राइम का बटन है। ये प्राइम का बटन का मतलब अपन इरीगेशन का पूरा वो एयर जो ट्यूबिंग रहता है, जो हैंड पिक सब, वो पूरा डी एयर होता है। प्राइम का बटन दबाने के बाद पूरा डी एयर होता है। अरे आपको मशीन ऑन करके दिखा था, देखिए मशीन ऑन करके दिखा था। इसमें अपन पावर कम ज़्यादा भी करते हैं। ज़्यादातर सर्जन 50% सक्शन और 15 ml/mL पर मिनट पे इरीगेशन रखते हैं। तो ज़्यादातर मोड अपन स्टैंडर्ड मोड ही रखते हैं, स्टैंडर्ड मोड ही सबसे अच्छा है, जब सब सर्व सर्जन यूज करते हैं। तो आपको अभी सक्शन के प्राइम का देखो, ये प्राइम का बटन है, ये मैंने प्रेस किया, इसका मतलब इरीगेशन स्टार्ट हो गया। अब जो इरीगेशन उधर अपन प्राइम करने टाइम इरीगेशन जो बॉटल का सब पानी है वो ट्यूबिंग में भर जाएगा, पूरा टिप टॉप हो जाएगा। जब तक टिप टॉप नहीं आता तब तक ये बटन प्रेस नहीं करना चाहिए। जब तक टिप टॉप आएगा तब अपन वो बर्तन प्रेस करते हैं, फिर वो पूरा ट्यूबिंग डियर होता है, फिर पूरा वाटर वो ट्यूबिंग में रहता है। फिर उसके बाद वो बटन ये बटन प्रेस करेंगे, इसके बाद सर्जन को यूज करने का वो हैंडपीस दे देने का। दूसरा ये फिल्टर और ये सक्शन पोर्ट। अब हमको सक्शन पोर्ट को फिल्टर लगाना ही चाहिए, क्योंकि नहीं लगाया ये सक्शन बॉटल पूरा भर गया, सक्शन मॉडल पूरा भर गया तो ये पूरा ट्यूबिंग के बाहर पानी इधर तक मशीन तक चला जाएगा। इसलिए ये सक्शन ये फिल्टर है वो लगाना ज़रूरी है, उससे मशीन ख़राब नहीं होगा और मशीन अच्छे से चलेगा और पूरा पानी या कुछ गंदा जो भी है वो इसके साथ जाता नहीं। तो ये सक्शन बॉटल है, ये सक्शन बॉटल पे चार पोर्ट है, जिसमें ये फर्स्ट पोर्ट है, इसमें वैक्यूम देना, इसमें जो मशीन का आएगा वो इसमें जाएगा, मीन्स इसके इसमें जाएगा। और ये दो वैक्यूम के लिए, इसमें दोनों के लिए भी अपन लगा सकते हैं ट्यूबिंग, जो हैंडपीस से आएगा वो तो इधर लगेगा, और ये एक पोर्ट है जिससे अपन ये सक्शन खाली डब्बा खाली कर सकते हैं, या पूरा ढक्कन भी आपको खोल के दिखाता हूँ, रुकिए। तो ये छोटा सा मैंने जो बताया है ये मशीन के बारे में, तो जितना मेरे को मालूम है उतना मैं आपको बताया है। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और मैं मशीन को और तरह तरह का मशीन को आपको बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।